TEDxBITS हैदराबाद के तमाम अधिकारीगण और कर्मचारियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी को जय हिंद कहता हूं। बच्चे का संस्कार जो परिवार से मिलता है वो बच्चे के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं यूपी बुलंद शहर एक के छोटे से गांव औरंगाबाद अहीर के किसान का बेटा हूं और वहीं से किसान परिवार से ही मुझे एक ताकत मिली, एक शिक्षा मिली, जिसकी बदौलत मैं 16,500 फीट ऊंची पहाड़ी जहां पर जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल था, ऐसी परिस्थिति जहां पर तमाम मेरे साथी शहीद हो गए, मैं भी जख्मी अवस्था में था, लेकिन वहां पर भी मुझे लड़ने की ताकत थी। वो ताकत थी मेरे माँ बाप के द्वारा दी गई शिक्षा, वो ताकत थी मेरी माँ का वो प्यार जब मेरे फादर बीमार हो गए थे, उनका वो एक जुनून जो कुछ विपरीत परिस्थितियों में भी कर गुजरने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रही। फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा था तभी मेरा भाई सेवंथ क्लास में था, दोनों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया और वहीं से खेती बाड़ी करते हुए आगे बढ़े। मेरा भाई बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद आर्मी में ज्वाइन हो गया और डेढ़ साल के बाद मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में मैंने भी भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया। ये पिता की ही वो ताकत थी जिन्होंने 1965 और 71 की लड़ाई के अनुभव हमसे साझा किए। उनका वो जुनून, उनकी वो वीरता हमें फौज तक खींच करके लेके आ गई। और ऐसे फौज कैसे रेजिमेंट में मैं पहुंचा जिसका इतिहास अभी तक मैं किताबों के अंदर पढ़कर के आ रहा था। वीर अब्दुल हमीद और मेजर होशियार सिंह जैसे शूरवीर योद्धाओं की वीरता से भरे हुए इस रेजिमेंट में मैं एक साल की ट्रेनिंग करने के बाद 18 ग्रेडियर्स में पोस्ट हुआ तो उस समय मेरी बटालियन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उग्रवादियों के बल खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। अपने साथियों के साथ उग्रवादियों के साथ लड़ने की टैक्टिक्स, उनके तौर तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। तभी अचानक से एक ऐसा समय आया जिसके बारे में हिंदुस्तान की फौज ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सिविल पॉपुलेशन भी ये नहीं जानती थी कि वर्ष 1999 हमारे देश के लिए क्या लेकर के आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी फरवरी माह के अंदर लाहौर बस यात्रा करते हैं, पड़ोसी देश के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण, दोस्ताना व्यवहार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक जो इंसानियत के दुश्मन, जो इंसानियत में शांति की पहल नहीं करने देते, उन्होंने ऐसे षड्यंत्र रचे कि कश्मीर वैली के अंदर द्रास, बटाले, कारगिल जहां की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर हमारे हिंदुस्तान के चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया। और तभी भारतीय सेना जो कि कश्मीर वैली से एक एक करके हर सेक्टर के अंदर डिप्लॉयड होने लगी, मेरी बटालियन को भी वो टॉक्स मिला, हम द्रास सेक्टर में पहुंचे। द्रास सेक्टर में सबसे पहले एक तोरोलिंग पहाड़ी जो कि नेशनल हाईवे 1α से बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर बैठे हुए दुश्मन ने ले के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारा जा रहा था बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था, उसको खोलना बहुत जरूरी था, एक चुनौतीपूर्ण टास्क था। इस टास्क को हमने स्वीकार किया और उस पहाड़ी पर हमने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। जब लड़ाई शुरू हुई तो उसी समय मैं शादी करने के लिए घर छुट्टी गया हुआ था और शादी करके 22 मई को मैं वापस लौटा, 5 मई की शादी थी। तभी जो हम 15 जवानों की टुकड़ी छुट्टी काट करके आई तो उसको एक पहाड़ी के राइट साइड से ऊपर चढ़ने का आदेश दिया और एक काम दिया कि नीचे से अमनेशन और राशन पानी लेकर के अपने ऊंचे जो परफॉर्मर में बैठे हुए हमारे साथी है उनके पास तक पहुंचाने का। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि कोई जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर एक काम की वैल्यू होती है, उसकी अहमियत होती है, उसको समझने की आवश्यकता होती है। हम 15 जवानों ने उस टास्क को समझा, उसकी अहमियत को समझा और 22 दिन उस पहाड़ी के ऊपर सुबह 5:30 बजे चलते थे उस अमनेशन और सामान को लेकर के, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे और 2 घंटे के अंदर फिर वापस आते थे। -20 डिग्री टेम्परेचर
दुश्मन की भारी भारी गोलाबारी उन सब की परवाह नहीं की। सिर्फ एक ही जहन के अंदर एक ही लक्ष्य था, अपने उस टास्क को पूरा करना है, अपने साथियों तक वो सामान पहुंचाना किसी भी हालत। 22 दिन तक उस पहाड़ी पर लड़ते रहे। उस पहाड़ी के ऊपर दो ऑफिसर, दो जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों की शहादत के बाद 12 जून 1999 हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में उस पहाड़ी को प्राप्त किया। उस पहाड़ी की सफलता के बाद हमारी बटालियन को दोबारा से एक और टास्क टाइगर हिल टॉप को जीतने का दिया। टाइगर हिल रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट, जिस पर ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी थी, सांस लेने में बहुत बड़ी दिक्कतें थी, ऊपर से मौसम की मार, दुश्मन की गोलाबारी, इन सब कठिन से कठिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ गए। तभी एक टुकड़ी का गठन हुआ, घातक प्लेटून, एज ए कमांडो टुकड़ी। उसमें हम 21 जवानों की वो टुकड़ी थी और उस मुझे अपने आप में बड़ा फक्र है, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे उस टुकड़ी का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। और वो सौभाग्य साथियों बस उस टास्क के ऊपर बदौलत मिला जिसमें 22 दिन मैं अपने साथियों को नीचे से अमनेशन और राशन पानी ले जाने के लिए लगा रहा। उस काम की बदौलत मेरी पहचान बनी कि ये लड़का फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसको इस टुकड़ी के अंदर शामिल किया जाए। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य गर्व की बात थी। उसी समय एक कमीशन होकर के हमारे और नए ऑफिसर आए थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उसकी कमान दी गई। 3-4 दिन का रिहर्सल का समय मिला और आखिरकार 2 जुलाई को उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। साथियों उस पहाड़ी के ऊपर सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि दुश्मन दूर तक हमें आसानी से देख करके बर्बाद कर सकता था। पूरी रात चलते थे, दिन में पत्थरों की आड़ में चुपचाप लेटे रहते, पड़े छुपे रहते थे। 2 दिन 3 रात उस पहाड़ी पर कंटिन्यू चले। साथियों पहाड़ी को अगर नीचे से देखते हैं तो पहाड़ी का पहले वाला जो चोटी है वो ऐसा लगता है कि यही इसका टॉप है, लेकिन जब उस टॉप के ऊपर पहुंचते हैं तो एक और पहाड़ी उसका टॉप नजर आता है। इस तरह से तीसरे वाले टॉप के जब नजदीक हम पहुंचे तो बिल्कुल खड़ी चट्टान 90 डिग्री, जिस पर चढ़ना नामुमकिन था, एक मेरा नाम का दूसरा योगेंद्र सिंह यादव, हम दोनों उस टुकड़ी के नंबर 1 और नंबर 2 चलने वाले स्कॉट थे। जब उस पर चढ़ना नामुमकिन हो गया तो साथी ने मुझे अपने कंधे पर बिठाया और ऊपर की तरफ उछाल दिया ताकि मैं ऊपर रस्सी बांध करके अपने साथियों को एक रास्ता बना सकूं। मैं ऊपर से अपने साथियों के लिए रस्सी बांध करके नीचे रस्सी गिरा दी, मेरे साथी चढ़ना शुरू कर दिया। दोनों तरफ दुश्मन के बंकर्स थे, लेकिन अंधेरे की वजह से हमें नहीं दिखाई दिया कि यहां पर दुश्मन बैठा हो सकता है। पत्थरों की फिसलने की आहट हुई तो शायद दुश्मन के जवानों की आंखें खुली होंगी और उन्होंने सोचा कि यहां तक हिंदुस्तान की फौज आ गई है। उसने इतनी भारी तादाद के अंदर हमारे ऊपर दोनों तरफ से फायरिंग कर दिया कि जो हमारा रास्ता था वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया। केवल 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए और 7 जवान जब ऊपर पहुंचते हैं तो सामने 8-7 मीटर का प्लेन इलाका और सामने दुश्मन के 2 बंकर्स। 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तान के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तभी जो टॉप पर बैठा हुआ दुश्मन था उसने देखा कि हिंदुस्तान के सैनिक यहां तक पहुंच गए। उन्होंने इतनी भारी तादाद के अंदर गोलाबारी हमारे ऊपर शुरू किया कि हम ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम आगे बढ़ाते हैं तब भी हमारी मौत थी और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी। साथियों हिंदुस्तान का जवान ही है, इस मिट्टी की वो एक ऐसा गुण है कि इस मिट्टी में पैदा होने के बाद एक भारतीय नागरिक भी, चाहे उसका शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, उसकी आखिरी सांस ही क्यों ना बची हो और उसके रक्त का आखिरी कतरा ही क्यों ना बचा हो, उसके हमेशा कदम दुश्मन की तरफ बढ़ेंगे, कभी उसके कदम पीछे की तरफ नहीं आते। ये हमारे हिंदुस्तान के मिट्टी का ही वो सौगात है कि हमारे सैनिक हमेशा दुश्मन की तरफ ही बढ़ते हैं। तभी 5 घंटे तक हमारा उनका फायरिंग शुरू हो गया, आगे बढ़े, दुश्मन के जो मोर्चे थे उनके अंदर से जो
दुश्मन के सैनिकों की डेड बॉडियां थी उनको निकाल करके बाहर फेंका और 5 घंटे तक लगातार हमारा उनका फायरिंग होता रहा। हम पीछे से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके थे, कोई सपोर्ट नहीं था, तो धीरे धीरे अमनीसन तो खत्म होना ही था। जब बहुत कम मात्रा के अंदर हमारे पास अमनीसन बचा, तभी हमने एक और प्लानिंग किया कि हम जो अभी थोड़ा बहुत अमनीसन बचा है इसको तब यूज करेंगे जब दुश्मन हमारे बिल्कुल नजदीक आएगा। और अचानक से हमने फायरिंग बंद कर दिया। जैसे ही फायरिंग बंद किया तो शायद दुश्मन को लगा कि या तो हिंदुस्तान के जवान मारे जा चुके हैं या इनका अमनीसन खत्म हो गया है। लगभग 30 मिनट के बाद 10-12 पाकिस्तान के जवान सिर्फ ये देखने के लिए हमारे नजदीक तक आए कि हिंदुस्तान के जवान जिंदे हैं या मर गए हैं और कितनी संख्या में है। जब वो चारों तीन तरफ से आगे की तरफ हमारे बिल्कुल नजदीक आए तो हम 3-4 जगह अलग अलग पत्थरों के पास बैठे हुए थे, एक साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ था। जैसे वो नजदीक आए एक साथ फायरिंग खोला और उनमें से 1-2 बचा होगा सबको मौत के घाट उतार दिया। तभी जो 1-2 बचा था उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बताया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान हैं। विद इन 30 मिनट हमारे ऊपर 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया और हमला इतना जबरदस्त, जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे तमाम का अंधाधुंध फायरिंग, ऊपर से पत्थर फेंकते हुए, ग्रेनेड फेंकते हुए हमारे नजदीक आने लगे। लेकिन हमने फायर नहीं खोला क्योंकि फायर खोलते ही हमारी लोकेशन जाहिर होती और हम दूर से दूर बर्बाद हो सकते थे। इसलिए हम दुश्मन की राइफल्स, दुश्मन के अमनीसन को लेकर के चुपचाप बैठे रहे और उनके नजदीक आने का इंतजार करते रहे। तो जब और नजदीक आए तो उनको हमारी लाइट मशीन का LMG दिखाई दिया। उसको देखते ही सीधा उसी के ऊपर उन्होंने RPG का जो ग्रेनेड था वो डाल दिया, उसकी बैरल डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले भी बिल्कुल नए जवान थे, जब उनको आकर के पत्थर लगे तो हमारे प्लेटून हवलदार की तरफ भागे। तो प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज भी मेरे याद हैं। उन्होंने मुझे आवाज दिया कि योगेंद्र इस एलर्जी को उठा करके फेंक, दुनिया में आज इस वेपन के सिवा बचाने वाला कोई नहीं। मैं उस एलर्जी को उठा करके जैसे अपने प्लेटून हवलदार की तरफ फेंका तो मेरी नजर ऊपर की तरफ गई तो उस जिस पत्थर से मैं फायर कर रहा था उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। मैं सर बोलते बहुत नजदीक आ गए, कहां पर है सर ये खड़े हुए, इतना ही मैं बोल पाया। तभी उन्होंने ऊपर से ग्रेनेड फेंका तो मेरा एक जो नाम राशि था मेरा जस्ट पीछे की तरफ लेट करके फायर कर रहा था, उस ग्रेनेड का टुकड़ा आकर के उस जवान को यहां उंगली में लगा और उसकी जवान की उंगली कट करके दूर जाकर के पड़ी। उसको आभास हुआ कि उसका हाथ कट गया है। उसने चिल्लाया कि मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मैं उसको बोला नहीं सर आपका हाथ नहीं बल्कि उंगली कटी है। उनको फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद सभी ने बोला कि आप नीचे की तरफ चले जाओ, शायद हो सकता है आप अपने साथियों को चढ़ाने में मदद कर सको, अपने हमारे साथी ऊपर चढ़ जाएं। लेकिन साथियों उस जवान ने मना कर दिया कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा। मेरी 19 साल की उम्र थी, 2.5 साल की सर्विस, मैं तो किताबों में पढ़कर के आया था कि एक हिंदुस्तान का सैनिक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज तो देखने को मिल रहा था कि एक हमारा सीनियर जो अपने आप को बचा सकता था लेकिन हम जैसे नौजवानों के लिए, हम जैसे नए सोल्जर्स के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तत्पर हो गया। बोला कि नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगा, कम से कम बैठ करके आपके पास अमनीसन भरता रहूंगा। उनकी वो भावनाओं को देख करके हमारे अंदर बहुत बड़ी मोटिवेशन ताकत आई। तभी एक और वेपन स्नाइपर वाला, उस स्नाइपर वाले के पास 3 तरफ से फायर निकला। तभी प्लेटून हवलदार ने एक मेरा ट्रेनिंग का साथी, हम दोनों रूममेट थे गणेश अंतराम, दोनों को हमको आदेश दिया कि आप दौड़ करके उनके पास जाओ हेल्प के लिए। जैसे हम उसकी हेल्प के लिए पहुंचे, हरकत किया ही था तभी ग्रेनेड का एक टुकड़ा आया और आकर के घुटने के नीचे मेरे यहाँ पर लगा तो मुझे भी आभास हुआ कि शायद मेरा घुटने से पैर कट गया है। लेकिन जैसे नीचे गिरा, गिरने के बाद एकदम से माइंड में आया देखता हूँ पैर कटा है कि नहीं, ऐसे देखा तो पैर तो था लेकिन बहुत गहरा जख्म था। खुद फर्स्ट एड करने लगा, फर्स्ट एड कर ही रहा था तभी एक और ग्रेनेड का टुकड़ा आया, उसने आकर के यहां से ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा शून्य हो गया और मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। काफी देर तक आंखें खोलने की कोशिश करी लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया।
जब आंखें खुली तो देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और आंख नाक से खून की धार बह रही थी। वहां पर एक उनका पाकिस्तान का स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे काफी देर तक ब्लड साफ करता रहा और फिर आगे बढ़ा, अपने साथी के पास पहुंचा जिसकी हेल्प के लिए मुझे जाना था। उसके ठीक सामने मैं पहाड़ी से पीठ लगा करके बैठा हुआ था। उनको बोला कि सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दीजिए। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि पहले फायर कर, तो मैं फायर करने लगा। काफी देर के बाद जब उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली और उनका हाथ यहां तक पहुंचा था, तभी उनको हेड शूट हुआ और वो पीछे की तरफ लेटते हुए चले गए। उनका हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। अपने साथी को बोला कि सर, बोला सर को तो गोली लगी है। उसने भी क्या यही बोल पाया, उसको आकर के सीने में ब्रश लगा हुआ करके मेरी तरफ लेट गया। दोनों बंदे शहीद हो चुके थे। अपने कमांडर को बताया कि सर दोनों बंदों के तो गोली लगी है, कैसे हैं, दोनों के दोनों शहीद हो गए। दोस्तों बस इतना ही मैं बोल पाया, तभी पाकिस्तान के जवानों ने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया और वो एक ऐसा पल ऐसा मंजर कि एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। जिन साथियों के साथ मैं बैठ करके एक पल पहले बात कर रहा था, आज कोई बात करने वाला ही नहीं था। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनके कमांडर ने बोला कि इनको रिचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। पाकिस्तान का एक जवान आया, उसने आकर के सबको गोलियां दागने लगा तो मेरे भी बाजू में जांघ में नीचे पैर में तीन जगह गोलियां मरी, लेकिन उस गोलियों के दर्द को उस पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। और तब एक विश्वास पैदा किया अपने मन के अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उठ तक भी नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। वो विश्वास ही था कि आज मैं आपके सम्मुख भी खड़ा हूँ। उनको यकीन दिला दिया कि इनमें से कोई जीवित नहीं, वो चले गए। फिर उन्होंने बहुत सारी यातनाएं दी, गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी, पत्थर मारे। फिर हमारे नीचे एक पोस्ट था, उस पोस्ट को कब्जा करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। और जैसे वो आपस में बात डिस्कस कर ही रहे थे, तभी मेरी वो डिस्कस मेरे कानों तक पड़ा तो मुझे लगा कि यार मेरी पूरी टुकड़ी खत्म हो जाएगी, मेरे साथी खत्म हो जाएंगे। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जीवित रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और साथियों बिल्कुल सत्य, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर शक्ति भी साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा। काफी देर के बाद उनके कमांडर ने बोला कि इनके वेपन उठा लो। तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा और दूसरा वेपन उठा रहा था। उसने आकर के गोली दोबारा से इसी रोटेशन से मारी। फिर मेरी बाजू में जांघ में नीचे पैर में तीन जगह गोली मारने के बाद उसने जब सीने की तरफ बैरल करी तो मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। तो यहां पर पर्स रखा हुआ था, उसमें गिरट के 5-5 रुपए के सिक्के भी पड़े हुए थे और वो सिक्के सारे के सारे इकट्ठे थे। तभी उसने गोली चलाई और गोली सीधे जाकर के सिक्कों पे लगी। गोली के धक्के से मुझे आभास हुआ कि मैं मर गया हूं। लेकिन अगले ही पल जब पाकिस्तान का सैनिक ने जब AK-47 मेरी उठाई और वापस मुड़ा तो उसका पैर शायद मेरे पैर से टकराया होगा, तो मुझे एकदम से चेतना आई और मुझे लगा कि मैं जीवित हूं। तब लगा कि यार अब नहीं मर सकता, अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने धीरे से अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया और उसके कोट के हुड के अंदर जा गिरा। उसने पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। ग्रेनेड के फटते ही उसका पूरा सर उड़ गया और हमारे ऊपर आकर के गिरा। पाकिस्तान के जवानों में एकदम से खलबली मच गई, इनमें से सर कोई जिंदा हो सकता है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई। वही एक मौका था मेरे पास कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विशेष कर गुजर जाऊं। मैंने दोनों हाथों से राइफल उठाने की कोशिश करी लेकिन हाथ तो हिला ही नहीं। एक हाथ से राइफल उठाया और वहां से ऐसे फायरिंग करना शुरू कर दिया, 3-4 बंदों को और मौत के घाट उतार दिया। एक हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से फायरिंग किया और 3-4 मीटर रेंगता हुआ उनको खदेड़ करके आगे वहां से भगा दिया। वहां से भागने को उनको क्योंकि विश्वास हो चुका था कि नीचे से दूसरी टुकड़ी आ गई है। मैं वापस, क्योंकि उस समय जहन के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, अपने साथियों को बचाना। मैं वापस मुड़ा। वापस मुड़ने के बाद जब अपने साथियों के पास आया तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरी तरह मेरा साथी कोई जीवित होगा। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का पूरा जो सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर बैठ करके रोता रहा उनके पास में, फिर अपने आप को संभाला। इस हाथ की हड्डी टूट करके बाहर निकल गई थी, इस हाथ को इसे बांधने की कोशिश करी लेकिन हाथ बंध नहीं पाया। सोचा कि कट गया, इसको तोड़ करके फेंक देता हूँ। तोड़ने की कोशिश करी लेकिन टूटा भी नहीं।
फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका और सोचने लगा कि किस रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि रास्तों का भी पता नहीं। तभी एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले से लुढ़कता हुआ चला गया और जब काफी नीचे पहुंचा तो एकदम से ऐसे उस नाले के अंदर लटका हुआ था, मुझे आभास हुआ कि यार मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूं। तभी मेरे साथी मुझे नजर आए और उन्होंने मुझे आवाज दिया, मैंने भी उनको आवाज दिया, वहां से मुझे निकाल करके लेके गए उनको, उन्होंने मुझे फर्स्ट एड दिया, फिर उनको पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन दिया, पीछे सीओ के पास मैसेज दिया कि एक लड़का बच करके आया, इस प्रकार की सूचना दे रहा। सीओ के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और इतना खून निकल गया था कि मुझे भी दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। सीओ साहब के पास पहुंचा तो सीओ साहब ने बोला, बेटा मेरे को पहचानता है? मकान नहीं साहब, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, साहब बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने 3-4 स्टॉप चलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, मैं सर पानी पिला दीजिए। तभी डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी शरीर के अंदर और एनर्जी सी आई। सीओ साहब ने बोला, बेटा कुछ बता सकता है? वहाँ सब बता सकता हूँ। तब उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिया और फिर लास्ट में सीओ साहब ने बोला कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने कहा, सब जवान की रिक्वायरमेंट सिर्फ फील्ड पट्टी और नॉमिनेशन की है। बोला, खाने के लिए नहीं चाहिए? नहीं सर, 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था, 2 बड्डी पेयर में सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। तरह कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। और जब होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को मेरी टुकड़ी ने दोबारा से टाइगर हिल के ऊपर हमला किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप को विजय पता कर दिया। सोलह महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस अभी भारतीय सेना में सेवारत हूँ और आज आपके सम्मुख हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान का जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। हम उस युद्ध क्षेत्र को जीतने के लिए कुछ चीज की तो प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन कुछ की नहीं कर पाते। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने आप में आत्मविश्वास, अपनी मेंटल सहन शक्ति को हमेशा बना करके रखें। जिस क्षेत्र में भी आप काम करें वो भी आपका एक बैटल फील्ड है। महानता, सफलता, बहादुरी आपको हर क्षेत्र से मिल सकती है। इसके लिए जरूरी है एक सकारात्मक सोच, ईमानदारी, वफादारी, निस्वार्थ भाव से काम करने की लगन। अगर हम इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के सैनिक हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद अपने समाज और अपने परिवार के बारे में सोचिए, सबसे पहले राष्ट्र को रखिए। अगर इस चीज की भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा राष्ट्र सशक्त और सौहार्दपूर्ण आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं के साथ आखिर मैं यही कहूंगा कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत।